बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हालांकि अब फिल्म में अक्षय के किरदार को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार को नहीं बल्कि सनी देओल को लेना चाहते थे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और सनी देओल ने फिल्म के लिए उस वक्त बात की थी जब दोनों 5 साल पहले वाराणसी में फिल्म मोहल्ला 80 की शूटिंग कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी फिल्म पृथ्वीराज में सनी देओल अहम रोल अदा करे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और सनी देओल ने फिल्म के लिए उस वक्त बात की थी जब दोनों 5 साल पहले वाराणसी में फिल्म मोहल्ला 80 की शूटिंग कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी फिल्म पृथ्वीराज में सनी देओल अहम रोल अदा करे। इस फिल्म को लेकर दोनों के बीच काफ़ी लंबी बात हुई, लेकिन फिर बाद में बात नहीं बनी। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने साल 2010 में फिल्म पृथ्वीराज की कहानी लिखी थी, लेकिन उस वक्त कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, जिसके चलते साल 2018 में यशराज बैनर ने ये फिल्म बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही अक्षय कुमार को पृथ्वीराज के रोल के लिए भी फाइनल किया गया। आपको बता दें कि अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में मानसी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।